हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी चक्र तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए काइनामेटिकल इक्वेशंस देखे थे मोशन इन अ प्लेन के लिए इस बार हम लोग कानेमेटिकल इक्वेशंस देखने वाले हैं ठीक है तो जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डायमेंशन मोशन को हमने दो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिवाइड कर दिया था ठीक है उसके इक्वेशंस भी हमने लिखे थे जैसे अगर मान लो आपका बॉडी इस डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर आर है तो हम क्या करेंगे इसको दो एक्सिस इन दोनों एक्सिस के अलाग देखेंगे तो अगर पार्टिकल आपका यहाँ पे है तो इसका मतलब आपका एक्स एक्सिस में पार्टिकल इस पोजिशन पर है और वाई एक्सिस में पार्टिकल इस पोजिशन पर है तो इसका पोजिशन एक्स और वाई अगर आर पोजिशन है उसका तो x एक्सिस के लॉन्ग x पोजीशन होगा और y एक्सिस के लॉन्ग y पोजीशन होगा ठीक है तो हमने लिख दिया था वेक्टर r is equal to x i कैप y j कैप तो ये बात हो गई पोजीशन की या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट हमने फाइनली ये इक्वेशन में देखा था ना कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस ओके okay? उसके बाद फिर हमने देखा था वेलोसिटी वेलोसिटी को भी ऐसे दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड किया था ये आपकी मान लो टोटल वेलोसिटी है तो एक्स तो तो एक्सिस के अलांग जो वेलोसिटी होगी उसको हमने बोला वी एक्स और वाई एक्सिस के अला जो वेलोसिटी होगी उसको बोला वी वाई और उसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्स एक्सिस के अलांग जो एक्सेलेशन था वो ए एक्स और वाई एक्सिस के अलांग जो एक्सेलेशन था वो ए वाई अब हम मोशन को यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग स्टडी कर सकते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का पोजिशन एक्स है और इसके अलोंग जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो वी एक्स है और इसके अलोंग एक्सलेशन जो पार्टिकल का है वो ए एक्स है तो मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस बात करूं मोशन को सिर्फ मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ही स्टडी कर रहा हूं फिर हम बाद में वाई एक्सिस के अलोंग स्टडी कर देंगे फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे इस मोशन इन प्लेन के लिए तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका पोजीशन एक्स है और आपका ये वेलोसिटी बी वाई है तो वेलोसिटी कैसे दिया जा सकता है डीएक्स बाई डीटी और एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ डी वी बाईटी एक्स सॉरी लिख रहा हूं वी एक्स डीएक्स बाई और एक्स डीवी एक्स बाई डी टी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इफ ए एक्स इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोग ऑलरेडी पता है तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसिडर करूं इस मोशन का तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम मान सकते हैं कि अगर उसका एक्सेलेशन एक्स है वेलोसिटी वी एक्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स है तो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन जैसा ही हो गया वो मैं वाई एक्सेस वाले पार्ट को फिलहाल नहीं देख रहा हूं तो उसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होंगे बताओ हमने तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे तो x इज इक्वल टू सॉरी पहला इक्वेशन क्या था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यहां पे हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इन टी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ये सिर्फ हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू एक्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, है और ए एक्स है सेकेंड फाइनमेटिकल इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी कुछ एक्स का ही आएगा और फाइनली तीसरा इक्वेशन क्या था वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्स टू एक्स ठीक है इसके अलावा दो इक्वेशन हमने और लिखे थे जैसे एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी और क्या आता है इन एंथ सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड क्या था बताओ एक्स एन इज इक्वल टू डिसप्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन ठीक था ना तो ये तो सारे इक्वेश आपके आ गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसी तरह के से हम अलॉन्ग वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं तो यहां पे अगेन हमको मोशन इन टू डिमेंशन में भी वेक्टर्स की खास जरूरत नहीं पड़ेगी हमने क्या किया उसको दो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में उसको डिवाइड कर दिया तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये सारी चीजें हमने लिख दी अब वाई एक्सिस के लॉन्ग लिख लेते हैं तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा बताओ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई

ई स्क्वेयर इज इक्वल टू यूवाई स्क्वेयर प्लस टू ए वाई इन टू डिसमेंट वाई तीन इक्वेशन हो गए बाकी दो इक्वेशन भी लिख लो आप वाई इज इक्वल टू यूवाई प्लस वी वाई अपॉन टू इन टू टी और डिसप्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड तो क्या आ जाएगा वाई एन इज इक्वल टू यूवाई प्लस ए वाई बाई टू इंटू टू एन माइनस वन ये सारे इक्वेशंस आ गए इस तरह से आपको इक्वेशंस लिखना है ठीक है अब देखो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे अगर आपको पोजीशन की बात करनी है मुझे अगर मान लो आर चाहिए तो पहले आप एक्स ढूंढ लो फिर वाई ढूंढ लो तो अगर आपको एक्स मिल गया है वाई मिल गया है तो हम लोग को पता है वेक्टर आर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अगर इसका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ढूंढना है आपको तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो पहले तो आप यहां से एक्स ढूंढ लो फिर यहां से वाई ढूंढ लो अलग अलग सॉल्व करो और उसके बाद फिर आपको पोजिशन ढूंढना है ये आर पोजिशन अगर ढूंढना है बस यही काम करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्स वाई स्क्वायर क्योंकि आर वेक्टर हमको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है तो इस तरीके से ढूंढा जा सकता है या फिर अगर समझ लो आपको वेलोसिटी की बात की है तो आप वेलोसिटी इस इक्वेशन से वेलोसिटी ढूंढ सकते हो वी एक्स और यहाँ से वेलोसिटी ढूंढ सकते हो वी वाई अगर आपको एक बार बी एक्स और वी वाई मिल गया तो हमको पता है कि टोटल वेलोसिटी वी जो होता है वो होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप एंड देन वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी मिल गया उसी तरह से आपका एक्सलेशन तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है तो ये तरीका है मोशन प्लेन को डील करने का और अगर सपोज करो आपको डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में ही यूज करना है आपको ये बांटना है तो आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो तो यहां पे आपका आ जाएगा वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म में आप डायरेक्टली वेक्टर से यूज कर लो सीधा पोजिशन वेक्टर आर वेलोसिटी आपका वी एक्सेलेशन ए तो पहला केस क्या होगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी राइट सेकेंड इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन में आपका डिस्प्लेसमेंट अगर आप r लेते हो डिस्प्लेसमेंट आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्र इज योर डिस्प्लेसमेंट आर लो या डेल्टा आर लो जो आपकी मर्जी हो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं फिर so, तीसरा केस क्या है बताओ तीसरा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हार्फ ए टी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन क्या था वी स्क्वायर में सीधा आएगा वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा बताता हूँ क्यों इज इक्वल टू स्क्वेयर प्लस टू वैक्टर ए डॉट आर आर इज यो डिस्प्लेसमेंट ये तीसरा आ गया कई बुक्स में डिस्प्लेसमेंट को सीधा एस लेके रखा हुआ है तो यहाँ पे आप एस भी लिख सकते हो वो आपकी मर्जी है और और दो इक्वेशंस भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टोटल एस है नहीं तो आ र ही रहना तो हम लोग आर यूज कर रहे तो आ रही रहना तो फिर और तीसरा इक्वेशन क्या था डिस्प्लेसमेंट अरे सेकेंड ए डॉट एस ए डॉट आर एंड देन उसके बाद फिर आपका अगला इक्वेशन क्या था एस इज इक्वल टू यू प्लस एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी वाई टू इन टी पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आर आएगा आर इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इन टी और फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड विल बी इक्वल टू u plus a 2 1 डिस्प्लेसमेंट सेकंड हो गया देखो ये यहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट का कांसेप्ट आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं अगर नहीं पता है तो फिर आप डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ये आप YouTube में सर्च करना स्टडी चक्र डॉट प्रोडक्ट या फिर स्टडी चक्र स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो आपको वहां पे मैंने जो डॉट प्रोडक्ट का वीडियो बनाया है वो मिल जाएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा या फिर आप एंड वेक्टर्स पूरा पढ़ के ही इस चैप्टर पे आना एंड वेक्टर्स का अलग से पूरा वीडियो बन चुका है तो स्टडी चक्र एंड वेक्टर्स टाइप करोगे तो पूरे, पूरे प्ले लिस्ट आ जाएंगे उसमें आप पूरा का पूरा वीडियो देखो स्केलेस एंड वेक्टर्स का तब इस चैप्टर पर वापस आना नहीं तो यहाँ पे वेक्टर्स की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो यहाँ पे ए डॉट आर का मतलब क्या होता है ए इंटू आर इन टू कॉस्टिटा जहां पे एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड ए है और इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आर है और उनके बीच का एंगल थीटा ठीक है वी स्क्वायर का मतलब होता है वी डॉट वी दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट तो यहां पे सेम वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाता है वी स्क्वायर वी डॉट वी इज वी स्क्वायर उसी तरह से आपका यू स्क्वायर मतलब क्या होता है यू डॉट यू यू का यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया देखो सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे यही u है और इसी के साथ आपका अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री हो जाएगा कॉस जीरो वन हो जाएगा इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा भी आता है पर कॉस थीटा वन हो जाता है थीटा नाइन्टी जीरो डिग्री है इसीलिए तो यू स्क्वायर इज यू डॉट यू और वी स्क्वायर इज नथिंग बट वी डॉट वी इस इक्वेशन में तो यहाँ पे हमने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया जिसको आप जिससे आपको डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में ही ये सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे और ये सारे जो क्वांटिटीज है उसके वैल्यू मिल जाएंगे ठीक है तो इस पर अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सलोरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी सेवन डिग्री origin एक्सिस एट velocity इक्वल टू जीरोल इज एट द ओरिजिन इज टेन मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग position of पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू फाइव सेकेंड देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है उल्टा बोल दिया मैंने ये आपका वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है एक पार्टिकल का एक्सलरेशन जो है वो किसी एंगल पे है किसी एंगल पे एक्सेलेशन होने का मतलब है कि इस एंगल पे उसको धक्का मारा गया या फोर्स लगाया गया और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थर्टी सेवन डिग्री बना रहा है और इस एक्सेलेशन का वैल्यू है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पार्टिकल शुरुआत में मतलब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर ओरिजिन पे है और उसकी जो वेलोसिटी है वो सीधे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मतलब एक्स एक्सिस के अलाग इसकी वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड तो बोला यह गया है कि फाइव सेकेंड्स के बाद आफ्टर फाइव सेकेंड्स पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा मतलब आर ढूंढना है हमको और पार्टिकल का बेसिकली कहाँ पोजीशन होगा एक्स वाई एक्सेस पे और दूसरी बात यह एक्सेलेशन रहने लगता से और दूसरा क्या बोल रहे हैं पार्टिकल का पोजीशन बोला है और दूसरा उसकी वेलोसिटी बोली है राइट तो पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी ये दोनों चीजें पांच सेकंड के बाद क्या होगा ये ढूंढने बोला है तो एक एक करके पता लगाते हैं अब देखो इस एक्सेलरेशन को मैंने क्या बताया था कि पहले एक्स एक्सिस के और एक्सिस के लॉन्ग डिवाइड कर दो ठीक है तो एक्स एक्सिस के डिवाइड करोगे इसको ये रहा यहां पर तो एक कॉम्पोनेंट हमने एक्स एक्सिस के ले लिया और दूसरा कॉम्पोनेंट हम इसका वाई एक्सिस के अला ले लेते हैं तो अगर आपने वेक्टर्स पढ़ रखा है तो ये आपका वाई एक्स एस के लाउंग कॉम्पोनेंट तो ये होगा आपका ए वाई और ये हो जाएगा ए एक्स दिस इज ए वाई एंड दिस इज एक्स तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा बताओ ये एंगल थर्टी सेवन डिग्री है अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ए एक्स जो है ये कॉम्पोनेंट वेक्टर के साथ थर्टी सेवन डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा ए कॉस थर्टी सेवन डिग्री ठीक है ये पता है ना अगर मान लो वेक्टर ए है इसका हम दो कॉम्पोनेंट लेते हैं तो ये एंगल अगर मान लो थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है उस कॉम्पोनेंट का वैल्यू होता है ए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर जो ये कॉम्पोनेंट होगा उसका वैल्यू होगा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये ए एक्स वेक्टर जो होगा वो क्या होगा ए एक्स ए कॉस्ट थर्टी सेवन डिग्री और उसी तरीके से यहाँ पे ए वाई का वैल्यू क्या आएगा बताओ ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन थर्टी सेवन डिग्री कॉस्ट थर्टी सेवन डिग्री और साइन थर्टी सेवन डिग्री का वैल्यू आप एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले ट्राइंगल से निकालोगे ये ट्राइंगल हमेशा याद रखना देखो ये कुछ इस तरीके से होता है किसी भी ट्राइंगल का अगर सपोज करो अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका एक एंगल अगर आपका फिफ्टी सेवन डिग्री है दूसरा एंगल अगर आपका सॉरी फिफ्टी थ्री डिग्री है और तो ये एंगल आपका 37 डिग्री हो जाएगा इस टाइप के ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 37 डिग्री दूसरा एंगल 53 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री, डिग्री इसके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो फिक्स होते हैं ठीक है साइड्स का जो रेशियो होगा वो होगा आ, थ्री इज तो फोर इज तो फाइव रेशियो सेम होने का मतलब क्या है कि ये साइड थ्री हो सकता है फोर हो सकता अगर ये थ्री होगा ये फोर होगा तो ये फाइव हो जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है ये थर्टी है ये फोर्टी है ये फिफ्टी है तब भी देखो रेशियो आपका थ्री टू फोर इस ही आ रहा है ठीक है तो हम क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको थ्री फोर फाइव ही लेके चलेंगे और इस ट्राइंगल से आप कॉस्ट थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हो तो अगर मैं सपोज करो यहां पे कॉस्ट थर्टी सेवन डिग्री की बात करूं तो कितना आएगा बताओ कॉस्ट थर्टी सेवन डिग्री ये एंगल है ना तो इसका एडजस्टन साइड फोर डिवाइडेड बाय फाइव तो ये हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाय फाइव अच्छा एक्सेलेशन का वैल्यू आपको क्या दिया है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका मतलब ये एक्सेलेशन आपका टू है राइट right? तो कितना हो जाएगा बताओ एट डिवाइडेड बाय फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो फिलहाल हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं वाई एक्सिस पे बाद में आएंगे या फिर यहां पे मैं वाई एक्सिस का लिख देता हूँ देखो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थर्टी सेवन डिग्री था

वाई एक्सिस के लूंगा आपको एक्सेलेशन मिल गया सिक्स बाई फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलो आगे बढ़ते हैं आप हमको ढूंढना क्या था बताओ हमको ढूंढना है पोजिशन और दूसरा वेलोसिटी तो यहाँ पे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं एक्सेलेशन बेसिकली कांस्टेंट है अगर एक्सेलेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं तो मुझे एक बात बताओ आपको एक्सेलेशन पता है टाइम पता है है ना इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल का वो पता है X एक्सिस के अलाउंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है टेन मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स लिख देता हूं टेन मीटर पर सेकेंड हमको ढूंढना है फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लौग. तो मिल जाएगा यूज करो इक्वेशन क्या यूज करेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इन टू टी यू एक्स आपका टेन है प्लस एक्सलरेशन एट बाई फाइव है एट बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना बोला है फाइव सेकेंड के बाद बोला है तो ये आ जाएगा आपका एटीन मीटर पर सेकेंड एटीन मीटर पर सेकेंड ठीक है दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी है हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा है तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर हमको पता है क्या करना है दोनों को कंबाइन करना है तो आपको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा तो फिलहाल एक्स एक्सिस के तो मिल गया इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं चलो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड चलो इसको मैं हटा देता हूं यहां से एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी दी एक्स इज इक्वल टू एटीन मीटर पर सेकेंड

ऊपर की ओर वाली वेलोसिटी अब बढ़ेगी अब सेम इक्वेशन यूज करेंगे वीवाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी वाई जीरो है प्लस ए वाई सिक्स बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव टाइम फाइव दिया है ना हम्म यस तो ये कितना हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू सिक्स मीटर पर सेकेंड तो आपको वी वाई भी मिल गया सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो वी एक्स मिला वी वाई मिला मतलब फाइनल वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट मिल गया वी एक्स और वी वाई तो वी वाई इज इक्वल टू सिक्स मीटर पर सेकेंड अब जैसे मैंने बताया था कि आपका जो टोटल वेलोसिटी वी होता है वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है तो हमको वैसे भी उन्होंने टोटल वेलोसिटी पूछा है टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बताऊँ वी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायेर रूट ऑफ वी एक्स स्क्र एटीन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ एटीन का स्क्वायर कितना होता है अब मुझे तो याद नहीं है तुमको याद करना पड़ेगा एटीट सिक्सटी फोर एट एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू वन वन थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी सो योर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क् रूट ऑफ थ्री सिक्सटी अब देखो यहाँ पे थ्री सिक्सटी का जो स्क्वायर रूट है अगर एग्जाम में पूछा तो आप इसको तो याद करके नहीं जाओगे वो देना चाहिए वैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 18.97 आ जाएगा 18.97 मीटर पर सेकेंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर वेलॉसिटी तो so, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया टोटल वेलोसिटी का अब इसके डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ इसके डायरेक्शन के लिए यहाँ पे तो क्लियरली आपको डायरेक्शन ये वेक्टर डायरेक्शन दे देगा इस पर ध्यान दो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ पे वेक्टर बनाते हैं इसको मैं हटा देता हूँ ये ट्राइंगल को याद रखना इन एंगल्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू तो हमको मिल गया कितना है 18.97 मीटर पर सेकेंड पर ये बेसिकली किस डायरेक्शन में है आपको ये भी बताना पड़ेगा जब भी आप क्योंकि उसने वेलोसिटी पूछा है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है तो वेलोसिटी पूछा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा डायरेक्शन आपको इस वेक्टर से मिल जाएगा देखो अगर मैं इसको सपोज करो किसी ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस तो हमको पता है कि मान लो ये वेलोसिटी है आपकी अब ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ये हमको नहीं पता अगर सपोज करो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये एंगल अगर हमको पता चल जाए तो फिर मुझे आइडिया आ जाएगा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इतने एंगल पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो जब कभी भी आपको कोई वेक्टर का डायरेक्शन पूछता है तो इसका मतलब वो आपको ये पूछता है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है इनफैक्ट वाई के साथ भी बताएगा तो भी पता चल जाएगा पर इन जनरल हम एक्स एक्स के साथ वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वो बताते हैं तो ये कैसे मिलेगा देखो अब देखो इसी वेलोसिटी को आप दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा वी एक्स और ये ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज वी वाई अब क्योंकि देखो यहां पर यह एक रेक्टेंगल बन गया है तो ये वी वाई है तो ये भी वीवाई होगा ठीक है और वी एक्स और वी वाई ये दोनों हमको पता है तो यहां पे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो पर यहां पे हम लोग ये काम करते हैं वीएक्स और वीवाई का यूज करना है तो टैन थीटा यूज करते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताओ टैन थीटा क्योंकि आपको देखो पता है वी भी पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा पर काम आसान करने के लिए कन्वीनियंस के लिए हम लोग टैन थीटा यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू वीवाई अपॉन वीएक्स राइट वी वाई अपॉन वीएक्स का वैल्यू क्या आया था वी वाई सिक्स और वी एक्स एटीन सो इट विल्स डिवाइडेड बाई एटीन दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री तो अगर टेन थी बाई थ्री है तो थीटा का क्या वैल्यू होगा टेन इनवर्स ऑफ बाई थ्री टेन इनवर्स ऑफ बाई थ्री तो ये एंगल मिल गया तो अब आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है और वो एक्स एक्सिस के साथ ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है टेन इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री इतना एंगल बना रहा है तो इस एंगल से आपको इसका डायरेक्शन भी पता चल गया फाइनली हमने वेलोसिटी का, का काम कर दिया अब बचा उसका पोजीशन कि वो एक्चुअल में कहाँ पे है किस पॉइंट पे है फाइव सेकेंड के बाद उसका क्या पोजीशन होगा वो किस पॉइंट पे होगा इसके लिए हमको क्या करना है बस एक्स का वैल्यू ढूंढना है और वाई का वैल्यू ढूंढना है और कुछ नहीं ठीक है तो हमको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे एक्स और वाई के तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे हैं तो एक्स और वाई ढूंढने के लिए क्या करोगे बताओ हम यूज़ करेंगे कोई दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन जहां से हमको पोजीशन मिल सके तो एक्स काइनेमेटिकल इक्वेशन एक्स का, का वैल्यू ढूंढने के लिए हम यूज करेंगे के जो आएगा, एकस एकस के तो, 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 हाँ तो यहां से एक्स मिल जाएगा आपको अब देखो x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या था टेन मीटर पर सेकेंड टाइम फाइव है प्लस हाफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेशन कितना आया था हमारा ये हमने मिटा दिया ना यहाँ पे देखो ना ये एक्स और ये मिटा दिया एक्स कितना था कैलकुलेट कर लो ना ए कॉस्ट थीटा कॉस्ट थर्टी सेवन डिग्री फोर बाय फाइव था ना हाँ एट बाई फाइव था ठीक है देखना एक बार चेक कर लेना पीछे जाके एक्स जो था हमारा एट बाई फाइव था तो यहाँ पे एट बाई फाइव इंटू फाइव का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा हटा देता हूं यहां पे फिफ्टी प्लस ये हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू सेवेंटी सेवेंटी मीटर तो एक्स का वैल्यू मिल गया उसी तरह से आप वाई का वैल्यू ढूंढ लो वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग वाला इक्वेशन यूज करेंगे वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी तो टाइम तो सेम होगा अब देखो क्योंकि पूरी इनिशियल वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस के ही थी तो वाई एक्सिस भी बता चुका हूं इंटू फाइव हाँ, का, का स्क्वायर ठीक है तो फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स फाइव थर्टी डिवाइडेड बाई टू तो कितना हो जाएगा ये फिफ्टीन मीटर ओके okay? तो y का वैल्यू आपका 15 मीटर आ गया तो बस ये x का और y का वैल्यू हमको ढूंढना था इससे आपको पोजीशन का पता चल जाएगा कैसे बताओ जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि अगर इसकी पोजीशन की बात करें हम लोग तो x है और y पे कहाँ है ये हमको मालूम पड़ गया है x एकस एक्सिस के लोग वो 70 मीटर पे है तो यहां पे ऐसे 70 मीटर ले लो ये पोजीशन आ गया और वाई एक्सिस से वो फिफ्टीन मीटर दूर है तो मतलब वाई एक्सिस से वो फिफ्टीन मीटर दूर मान लो यहां पे है ठीक है तो इसका मतलब ये यहां किसी पोजीशन पे है और इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ सेवेंटी मीटर फिफ्टीन मीटर दिस इज द पोजीशन सेवेंटी मीटर फिफ्टीन मीटर ठीक है अगर आपको चाहिए तो ये वेक्टर आर का वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे निकालोगे आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन स्क्वायर प्लस सेवेंटी स्क्वायर है ना क्योंकि वेक्टर आर क्या होता है एक्स आई का प्लस वाई जे क्या लेकिन फिर उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा इतना की जरूरत नहीं है अगर उसने पोजीशन पूछा है तो आप बस एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स बता दो इससे आपको उसको आइडिया आ जाएगा कि वो बेसिकली किस पॉइंट पे है ठीक है तो एक्स सेवेंटी मीटर और वाई फिफ्टीन मीटर तो इस तरह से हमको इसका पोजिशन और वेलोसिटी पार्टिकल का मिल गया आफ्टर फाइव सेकेंड्स Right? Thank you.